सेना का अपमान करते हो। क्या कहा था मोहन भागवत ने कि सेना को तो टाइम लग जाएगा, तैयार होने में वक्त लग जाएगा, लेकिन हमारी गैंग 2 दिन में तैयार हो जाएगी। हो गई कि नहीं तैयार? तैयार हो लड़ने के लिए? जाओ। अरे गटर, ज्यादा उछल मत, कुछ नहीं हुआ हमको, कुछ होगा भी नहीं हमको, टेंशन न लो, इतना जल्दी जाएंगे भी नहीं, हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं होंगे जहां चच्चा जाके भाषण दे आए। सब मरीज जो है बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, न उठना है, न हिलना है, न इधर उधर देखना है, न वॉशरूम जाना है, कुछ नहीं, चच्चा भाषण पहले जा रहे हैं, सब सुने जा रहे हैं। जनता कह रही है ओपन योर माउथ, अपना माउथ जो है, अपना मुंह जो है वो ओपन कीजिए, चीन के बारे में कुछ 2 शब्द बोलिए। बुद्ध की बातें करते, कृष्ण की बातें करते, आप बहुत हरिश्चंद्र सत्यवादी हो गए आप हैं। 100 स्मार्ट सिटी कहां गई? बुलेट ट्रेन कहां गई चच्चा? काला धन कहां गया चच्चा? 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले आज टीवी में आके 5 किलो अनाज बेच रहे हैं। ये जो टिकटॉक है 30 करोड़, उसके शाओमी के 15 करोड़, हुई के 7 करोड़, ओपो के 1 करोड़, और जो ये पेटीएम है 38% की साझेदारी है आपकी, उसके 100 करोड़, ये सब कहाँ गए? सवाल तो हम पूछेंगे। उन्होंने अपने घर के परिवार को, सदस्य को देखा है उस हालत में, खून से लथपथ उनकी लाशें देखी है। और इंदिरा गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे कि मेरे खून का एक एक कतरा देश को काम आएगा। और आपके शब्द क्या होते हैं? हम तो फकीर है, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे चचा। नमस्कार, मैं काजल निषाद। सरस्वती माँ जो है वो अज्ञानता और जड़ता का नाश करने वाली देवी है, और आप सबको तो पता ही है कि मैं हमेशा ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे सरकार की जो जड़ बुद्धि है, जड़ता और अज्ञानता है, उसका नाश करिए। सरकार जो है उनको बुद्धिमताम वरिष्ठम बनाइए। हे सरस्वती माँ, मेरी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री जी जो है उनसे कहना चाहती हूँ, उनको सलाह देना चाहती हूँ कि आप जो है 5 बादाम लीजिए, रात को कटोरी में पानी में भिगा दीजिए, और सुबह उठ के वो बादाम चबा चबा कर खाइए, ताकि जो है आपकी याददाश्त शक्ति तेज हो जाए, ताकि आप कुछ बोलते हैं करते कुछ है, कथनी और करनी दोनों में फर्क है, ठीक है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपने खुद ही कहा था कि कोरोना का संकट चल रहा है, घर में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, और आप जो है प्रियंका गांधी को कह रहे हो कि घर से बाहर निकलो। चचा, क्या हो गया याददाश्त शक्ति को? आपका क्या जाता है चचा? आपके परिवार पर कोई खतरा नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको संकट नहीं है, लेकिन गांधी परिवार पर संकट रहता है, खतरे में रहता है वो परिवार। उन्होंने अपने घर के परिवार को, सदस्य को देखा है उस हालत में, खून से लथपथ उनकी लाशें देखी हैं। और इंदिरा गांधी जी के आखिरी शब्द क्या थे कि मेरे खून का एक एक कतरा देश को काम आएगा। और आपके शब्द क्या होते हैं? हम तो फकीर है, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे चचा, ऐसे कैसे झोला उठा के चले जाएंगे? जनता चेक करेगी उस झोला में क्या है। चचा, चीन से आपको पीएम केयर फंड में कितना फंड मिला है? इसीलिए चीन के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये जो टिकटॉक है 30 करोड़, उसके शाओमी के 15 करोड़, हुई के 7 करोड़, ओपो के 1 करोड़, और जो ये पेटीएम है 38% की साझेदारी है आपकी, उसके 100 करोड़, ये सब कहाँ गए? सवाल तो हम पूछेंगे। सवाल तो हम पूछेंगे चचा, ऐसे कैसे झोला उठा के चले जाएंगे? चचा, बादाम खाइए,
याददाश्त शक्ति आपकी तेज होगी, आप क्या बोलते हो क्या करते हो आपको खुद ही नहीं पता चलता है। थोड़ा नशा जो है कम कीजिए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गई, बुलेट ट्रेन कहाँ गई चच्चा, काला धन कहाँ गया चच्चा, 5 ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले आज टीवी में आके 5 किलो अनाज बेच रहे हैं। ये दुर्भाग्य देश का कि प्रधानमंत्री जो है वो 5 किलो अनाज की बात करता है, जिसको सारे देश के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए थी, संकट से कैसे निपटा जाए, जो संकट को आप बिल्कुल इनवाइट किए थे अंदर, वो 5 किलो अनाज की बात करता है। हवाई चप्पल पहनाने वालों को हवाई जहाज में उड़ाने की बात करते थे आप, वही हवाई चप्पलें पड़ रही है आपके पुतले को। वीडियो देखा कि नहीं चचा, उनको हम जानते नहीं है, भारत की जनता है वो, हवाई चप्पल से बिल्कुल तड़ा तड़ मुंह पे मार रही है। चचा थोड़ा संभल के बोलिए, क्यों बिहार में भी चुनाव आ रहा है तो चचा जो है बिल्कुल अच्छे महंगे कपड़ों में लद के लद्दाख चले गए। गालवान घाटी नहीं गए चचा आप, 250 किलोमीटर से दूर से ही देख रहे हैं आप चीन क्या कर रहा है। अरे जाइए, क्यों फटती है, चीन का नमक खा गए आप चचा, चीनी नमक खा गए आप, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे आप। मोदी मोदी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो, जनता कह रही है ओपन योर माउथ, अपना माउथ जो है, अपना मुंह जो है वो ओपन कीजिए, चीन के बारे में कुछ 2 शब्द बोलिए। बुद्ध की बातें करते, कृष्ण की बातें करते आप, बहुत है हरिश्चंद्र सत्यवादी हो गए आप हैं। अरे गटर, ज्यादा उछल मत, कुछ नहीं हुआ हमको, कुछ होगा भी नहीं हमको, टेंशन न लो, इतना जल्दी जाएंगे भी नहीं, हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं होंगे जहां चचा जाके भाषण दे आए। सब मरीज जो है बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठे थे, न उठना है न हिलना है न इधर उधर देखना है न वॉशरूम जाना है, कुछ नहीं, चच्चा भाषण पहले जा रहे हैं, सब सुने जा रहे हैं। असली जो अस्पतालें होती है वहां जाइए ना चच्चा, जाइए वहां दीजिए भाषण, अस्पताल के बाजू में जो है चच्चा वहां माइक लेके भाषण दे रहे हैं। अरे सबको सोने दीजिए, आराम करने दीजिए, अस्पताल थी वो तो। लद्दाख चले गए चचा आप, शहीदों के घर गए, शहीदों के परिवार से मिले, उस बेटे की मां से गले मिले, उस बच्चों को सर पे हाथ फेरा जो शहीद के बच्चे थे, दिखावा कर रहे हो, भजा रहे हो इस बात को, हाँ शहीद की शहादत को भजाओगे अब चुनाव में, देश जाग गया है चचा, इसलिए आपसे सब सवाल करते हैं, और जब सवाल करते हैं तो आप जेल में डाल दोगे। जहां चीन से लड़ना चाहिए वहां कांग्रेस ही सपाई से और बाकी सब विपक्ष से लड़ रहे हो आप, पहले भी लड़ते थे अब भी लड़ रहे हो, फर्क क्या है। और वो ए मोहन भाग मत, मोहन भाग भागवत भाग मत, बैठ, चड्डी ठीक से पहन रहे हो ना, चड्डीधारी गैंग ठीक से चड्डी पहनना सीख लिए कि चड्डी गिल्ली हो गई अब चीन के नाम से, सेना का अपमान करते हो। क्या कहा था मोहन भागवत ने कि सेना को तो टाइम लग जाएगा तैयार होने में, वक्त लग जाएगा, लेकिन हमारी गैंग 2 दिन में तैयार हो जाएगी। हो गई कि नहीं तैयार, तैयार हो लड़ने के लिए, जाओ जाओ मोदी के साथ लद्दाख में कहीं नहीं चले गए तुम लोग। कथनी और करनी में बहुत फर्क है, सारा इंडिया जान गया। कोई बात का आपका विश्वास नहीं किसी को अब। और ये कानपुर जो कांडपुर बना हुआ है, बलात्कार हो रहा है, कई पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, उस पर कौन बोलेगा, कौन जवाब देगा? भाजपा की सरकार, बलात्कार हो रहा है, भाजपा की सरकार, सैनिक और पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं, कौन जवाब देगा?
हालत खराब पड़ी है पूरे भारत की और आपसे सवाल नहीं करेंगे? देखो मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, बस उसी का जिक्र और उसी की फिक्र।